वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बिलाल आजम और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर इस वक्त पहुंच गया बड़ी ही ज़बरदस्त जगह के ऊपर, चाइना के अंदर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था मुझे चंगडू के अंदर। चंगडू से मैं बड़ा ही लंबा सफ़र यहाँ पे करके आया हूँ, ऑलमोस्ट कोई 900 किलोमीटर्स मैंने सफ़र किया। चंगडू से निकले, वहाँ से ट्रेन ली थी और ट्रेन लेकर हम लोग एक दरमियान में एक स्टेशन चेंज किया, उस शहर का नाम था हुआई हुआ। से हम लोगों ने अगली स्टेशन ट्रेन पकड़ी और फिर हम लोग आगे जंगजियाजी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसका नाम है जंगजियाजी, लेकिन इसको बोला जाता है चंगजियाजी। और चंगजियाजी क्यों मशहूर है ये अब मैं आपको आज के एपिसोड के अंदर दिखाऊंगा। चंगजियाजी पहुंचने के बाद हम लोगों ने यहाँ से एक बस ली और बस लेकर इसका एक टाउन है वुलिंग युआन के पास हम लोग आ गए हैं। ये जंगजियाजी बेसिकली इनका नेशनल फॉरेस्ट पार्क है और ये वो फॉरेस्ट पार्क है जिसको बेसिकली बेस बनाकर अवतार मूवी बनाई गई। अवतार मूवी आपने देखी होगी, काफ़ी साल पहले आई थी और उसके अंदर वो जो जंगल और जो फॉरेस्ट और वो जो लंबे लंबे माउंटेंस दिखाए थे वो बेसिकली इंस्पायर्ड हैं इस जगह के ऊपर। तो हम आज अवतार मूवी का जो माउंटेन वाला एरिया था उसको एक्सप्लोर करने आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, ट्रैकिंग होगी हमारी आज पूरा दिन और बहुत ही सीनिक व्यूज़ होंगे, तो चलते हैं साथ साथ। अब्दुलरहमान भी रेडी होकर आ गया है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम लोग निकल पड़े हैं अपने होटल से और यहाँ से हम लोग जाएंगे अब अपने बस स्टॉप की तरफ। और काफ़ी इसका प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बसेस से चेंज करते हुए वुलिंग युआन में आ गए हैं। वुलिंग युआन इसलिए आए हैं जो जंगजियाजी से, क्योंकि बिकॉज यहाँ से तकरीबन जो फॉरेस्ट पार्क की जो उसकी टिकट है वो यहाँ से ज़रा करीब पड़ती है। तो हमारा होटल ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है टिकट स्टेशन से, हम यहाँ से वॉक करेंगे और फिर चलेंगे अपने फॉरेस्ट पार्क की एंट्रेंस के ऊपर। तो नाजरीन हम लोग पहुंच गए इनकी टिकट वाले स्टेशन के ऊपर जो ईस्ट साइड के ऊपर है। ये है जी टिकट ऑफिस। अब्दुलरहमान फेस अपना इसके सामने, आई थिंक ये फेस डिटेक्शन यूज करेंगे आगे जितने भी एंट्री पॉइंट्स वगैरह होंगे। फेस इज माय टिकट, ओके। एंड वेयर इज द बस, वेयर इज द बस स्टेशन? राइट देयर, ओके जी। सो 227 युआन का हमें एंट्री टिकट मिला है और जो लगभग इस वक्त पाकिस्तान का 50 रुपये के करीब है हमारा कन्वर्जन रेट, तो ऑलमोस्ट को 11,000 का ये टिकट पड़ता है। बट ये टिकट जो है वो एक दिन का नहीं है, 4 दिन का है, बिकॉज ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है और जो लोग इधर आते हैं स्पेशली इधर 1 हफ्ते के लिए आते हैं और उनको प्रॉपर एक एक जगह इसकी जिसको एक्सप्लोर करनी हो वो फिर इसके पूरे पैसे जो है वो पूरे करता है, 4 दिन इसके डिफरेंट स्पॉट्स पूरे करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं। टाइमिंग इनकी सुबह 7 से शाम 5 बजे तक है, आपने 5 बजे से पहले पहले नीचे आना होता है बसेस अगर आपने पिक करनी है। तो हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं और यहाँ से अब बस पकड़ेंगे और हम अपनी मर्ज़ी का मैप के ऊपर उसकी कोई लोकेशन बता देंगे कि यार हमें यहाँ पर जो है वो आप कर दो ड्रॉप। ये यहाँ पे सारी बसेस खड़ी हुई हैं ईस्ट स्टेशन के ऊपर। फेस दिखाना, ओके ग्रेट, फेस दिखाया और एंट्री। ओके तो भाइयों हम लोग पहुंच गए हैं, लुक एट द व्यू यार। इधर तो मुझे लग रहा है हल्की हल्की बारिश हो रही है और क्या ज़बरदस्त व्यू है। बारिश हो रही है हल्की हल्की और आप लोग भी अगर मेरी तरह सिर्फ डायरेक्ट इस पूरे जो नेशनल फॉरेस्ट इनका जंगजियाजी पार्क है उसमें डायरेक्ट अवतार वाले पॉइंट के ऊपर आना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप 3rd स्टॉप के ऊपर उतरें। आपने पहले पे भी नहीं उतरना, दूसरे पे भी नहीं उतरना और जो 3rd स्टॉप है वो आपका जो है वो आपका ये जो अवतार माउंटेन्स है आपके वो उसका है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक अदद लिफ्ट जाती है, आप आई थिंक इधर से टिकट परचेज करते हैं और फिर ये वो लिफ्ट आपको इसके टॉप के ऊपर लेके जाती है। यार जाना तो मैं ट्रैकिंग करके था लेकिन बारिश स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। 65 युआन का टिकट है यार,
ये एक अलहदा से ठुक गया है। मैं आप सबको गाइड कर देता हूँ, आप सबको बहुत फ़ायदा होगा अगर कोई भी आइंदा चाइना आना चाहे। मैं आपको मैप पर बता देता हूँ, यहाँ से हमने टिकट ली थी और यहाँ से हम लोग बस पर बैठे थे। बस हमें पहले यहाँ पर लेके गई, हम नहीं उतरे, फिर यहाँ पर लेकर आई, हम यहाँ पर नहीं उतरे, और उसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल ये जो लिफ्ट बनी हुई है अगर आपको नज़र आ रही हो इसके बिल्कुल यहाँ पे हम पॉइंट पर उतर गए। तो ये है वो जगह जहाँ पे अवतार माउंटेंस वाले आपको नज़र आते हैं। इस जगह का नाम है हालेलुया। हालेलुया वाली जगह के ऊपर आपको अवतार माउंटेंस मिलेंगे और यहाँ से हम लोग ट्रैक वगैरह करके उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, ये पूरा एरिया देखने के बाद। और उसके बाद यहाँ से दोबारा से हम बैठेंगे बस के ऊपर और बस हमें यहाँ पर उतार देगी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एरिया? याउंचाची। ये वाला एरिया फिर देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त है याउंचाची। देन कम बैक टू दिस पॉइंट, फिर बस लेंगे ऑल द वे, बस हमें इन पूरे रास्तों से होती हुई जो है वो यहाँ पे ले आएगी। एंड व्हाट इज दिस एरिया? त्यांजी, त्यांजी माउंटेंस, ये है लास्ट पॉइंट, त्यांजी माउंटेंस। ये हम लोग देखेंगे और ऑल द वे यहाँ से आगे हम यहाँ पे फिर अपनी बस ले लेंगे एंड देन बस विल ड्रॉप अस हेयर। तो नॉर्मली कुछ लोगों से गलती ये होती है कि वो यहाँ पे उतर के इधर से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा हाइक करके ऊपर आते हैं और फिर ये करते हैं। इधर बहुत मुश्किल हाइक है, बेहतर ये है कि बंदा यहाँ से नीचे आ जाए और ये वाला सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये पहले करें और आप करें। कैन वी ऑल कवर इट इन वन डे? ऑल डे, हेयर हेयर एंड हेयर। ओके ओके जी, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की ठंड, और मज़े की बात यह है कि आज हमने बहुत ही लाइट कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा यार पिछले दिनों जो हमने माउंट हुआशा की ट्रैकिंग की थी बहुत बुरी हालत हो गई थी ट्रैकिंग करके हमारी, ऑल्दो जैसे भी था उधर माउंटेन से लेकिन ट्रैकिंग करके बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ जाता है। तो मैंने कहा आज शॉर्ट्स पहनते हैं और पतली तरीन शर्ट पहनते हैं, लेकिन इधर आए हैं तो भाई इधर तो बहुत ठंड भी है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। रेनकोट ऑलराइट, तो लिफ्ट हमें ले आई है ऊपर। ओह हो, लुक एट दिस। ओके नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल लिफ्ट अभी आगे है। ये लिफ्ट हमें अभी पहले यहाँ लेकर आई है और एक्चुअल लिफ्ट अभी मज़ीद आगे आएगी। वो उस लिफ्ट की जिसकी हमने टिकट लिया है वो ये वाली है जिसकी 65 युआन का टिकट लिया हमने। वाह यार, What a beauty man, what a beauty, just look at this, wow, amazing. Wow, what a beauty. Look at the beauty. ये अंदर लिफ्ट के मनाज़र बिल्कुल हम रॉक्स के टॉप के ऊपर आए हैं यार। यहाँ से हम लोग आए हैं और विद इन 5 to 7 seconds, 5 to 10 seconds ये देखिए हमें कहाँ पे ऊपर ले आई है। That's it. Beauty. Okay, जी चलते हैं बाहर और अब आपको क्लोजर लुक दिखाते हैं हम अवतार माउंटेन्स की। ओके जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं अब लिफ्ट के ज़रिए ऊपर। ट्रैक करके भी आ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और पैसे सेव करना चाहते हैं, तो आप को रिकमेंड मैं ये करूँगा कि इस पोर्शन को ट्रैक करके भी आ सकते हैं अगर आपके पास खुले 3-4 दिन हैं। हमने क्योंकि एक दिन में करना है तो फिर आपको टाइम बचाने के लिए पैसे तो लगाने ही पड़ते हैं। ऐसे देखिए यार चाइनीज़ बिल्कुल अपने ग्रुप टूर्स को ऐसे लेकर आते हैं, एक बंदा झंडा हाथ में पकड़ लेता है और पीछे माइक किसने लगाया था, स्पीकर साथ लगाया था, और अपने साथ ये ग्रुप्स को लेकर जा रहे होते हैं। तो ये एक ग्रुप हमारे साथ साथ जा रहा है
हम कोशिश करते हैं इसके थोड़ा सा अलहदा हो जाएं और फिर किसी अच्छे व्यू पॉइंट के ऊपर चलें। तो ये लिफ्ट से निकल के एक्चुअल में हम हालेलुया वाले पॉइंट पे नहीं आए थे, इसलिए यहाँ से एक और बस में बैठ गए जो लेकर जाती है आपको एक्चुअल में उस पॉइंट के ऊपर। वहां से वॉक करते हुए आपको मजीद आगे जाना होता है, जहाँ रास्ते में आपको डिफरेंट किस्म के फूड स्टॉल्स मिलते हैं जिनको देखकर टेम्पटेशन होने लग जाती है। गुजरते हुए एक वहां का जामुन ट्राई किया, बस ठीक था, हमारे जामुन की तरह जूसी नहीं था। और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है द मोस्ट सीनिक वॉक, जस्ट एंजॉय खुदा की कुदरत। यहाँ से खड़े होकर अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे मजीद इसी तरह के सीनिक स्पॉट बने हुए नजर आते हैं। यानी इन्होंने पहले ही सीनिक स्पॉट्स को सिलेक्ट करके स्टेयर्स बना के इतना नीचे ले आते हैं कि आपको बेस्ट पॉसिबल व्यूज मिल सकें। वाकई खुदा की कुदरत देखने के बाद आप क्या ही उठते हैं, सुभान अल्लाह। और एक बात बता दूं, जितना मर्जी मैं यहाँ का एक्सपीरियंस आपको अपने कैमरे से दिखा दूं, लेकिन इस वक्त जो मेरी आंखें देख रही हैं वो अनबयानेबल है, एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। पांच सौ से 800 फुट लंबी दरख्त की तरह की ये चट्टाने देखकर बंदा दंग रह जाता है। ऐसी रॉक चिमनीज आपको टर्की के शहर कपादोकिया में भी देखने का मौका मिलता है, लेकिन वो सिर्फ ब्राउन मिट्टी की तरह की हैं, जबकि यहाँ ये खूबसूरत रॉकी स्ट्रक्चर जिन पे ना सिर्फ सब्जा है बल्कि परिंदों की आवाजों की इको भी इस जगह को मजीद अट्रैक्टिव बना देती है। एक के बाद एक ब्यूटीफुल स्पॉट आता जाता है और जैसे ही आप सीढ़ियां उतर के नीचे जाएं तो सीनरी ही पूरी डिफरेंट हो जाती है। देखने में तो बस ये चट्टाने हैं, लेकिन इन सैंडस्टोन के क्वार्ट्स की फॉर्मेशन देखते हुए आपका आगे जाने को दिल नहीं करता। वाओ, एन अदर ब्यूटीफुल स्पॉट, ब्यूटी। बहुत ही कमाल व्यूज यार। दूसरा ये है कि चाइनीज़ को मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी फॉरेन मुल्क के टूरिस्ट की, इतना रश है, इतना रश है सिर्फ और सिर्फ इनके अपने टूरिस्ट का कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट ना भी हो तो इनकी इतनी कमाई है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते।
तो ये हम लोग पहुंच गए हैं जी नंबर वन ब्रिज। ये भी कुदरती ब्रिज बना हुआ है, देखें यार कितनी ज़बरदस्त आर्क बनी हुई है। सब लोगों ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपने धागे जो हैं वो मन्नतें वगैरह मांगी हुई हैं, रेड कलर के धागे, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है यार। ये पीछे वैली बहुत डीप है, मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। यहाँ पे पत्थर नीचे से आ रहा है और बग़ैर किसी सहारे के ये पूरा पत्थर उससे जुड़ा हुआ है, और ये देखें नीचे तक गई हुई है वैली। चले जी आगे चलते हैं, नीचे नीचे जल्दी जल्दी, टाइम ज़रा हमारे पास कम है और रास्ता बहुत ज़्यादा है, जितना जल्दी हो सकता है हम चलते हैं। पता ही नहीं चलता यार, कभी एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाते हैं और वो रास्ता आगे से बंद होता है और वो एकदम कोई खूबसूरत सीनिक स्पॉट दोबारा से आ जाता है आगे। तो पहला सेक्शन हो गया हमारा, दैट वॉज हालेलुया समथिंग, हालेलुया जिनको अवतार माउंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बसेस हमें दोबारा से लेकर जाएंगी। तो हालेलुया वाले पॉइंट से हमने अगली बस ली और आगे युआंगजियाजी वाले पॉइंट पे, लेकिन इतना खास नहीं लगा और टाइम भी कम था, इसलिए दोबारा वहीं से एक और बस पकड़ी और अगले त्यांजी माउंटेन वाले पॉइंट पे आ गए। तो बस हमें एक दफा फिर छोड़ के चली गई है त्यांजी माउंटेन्स, और यहाँ ये हमारा लास्ट स्टॉप होगा। त्यांजी माउंटेन केबल वे भी है यहाँ पे भी, जिस तरह युआंगजियाजी में थी। अभी स्किप नहीं करना, अभी रात वाला पोर्शन आपको दिखाना है, वो भी बड़ा मज़ेदार होगा। ये कुछ बना रही हैं, पैनकेक, उसके ऊपर अंडा। अच्छा मेरे ख्याल ये पराठा सा बनाएंगी, इसके अंदर वो चीज़ इन्होंने लगाई ऊपर, थोड़ी सी कैरेट, ये हरा प्याज। यार ये हरा प्याज बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रिप्स हैं यार, ये चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, नहीं खा सकते हम फिलहाल, और बर्गर्स भी हैं। ये पोटैटो स्टिक है, इसके अंदर भी कुछ मीट इन्होंने बढ़ा हुआ जो हम नहीं खा सकते। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है, ये इन्होंने नीचे हीट है और पत्थर रखे हुए हैं ब्लैक कलर के, उन पत्थरों के ऊपर ये चिकन पक रहा है यार, ज़बरदस्त। पत्थर पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ पकती है। ये फ्राइड राइस हैं जो हम खा सकते हैं, ये कुछ फिश फ्राइड हैं, ये ऑक्टोपस फ्राइड हैं, ये भुट्टा है, ये सारी 10-10 की हैं, हर चीज़ 10-10 युआन की है, पाकिस्तानी आप यूज़ करें 500 रुपीज़ की। तो त्यांजी माउंटेन्स वाले स्पॉट से स्टार्ट हो जाती हैं अब स्टेयर्स जो आपको नीचे तक लेकर जाती हैं। कुछ लोग गलती से त्यांजी माउंटेन से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं और इन स्टेयर्स पे ही अपने 4 घंटे का टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और जब कुछ लोगों की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो फिर ऐसी डोलियां रेंट पर लेकर नीचे जाते हैं। देखें जी, जब आप बिल्कुल थक जाते हैं, आपकी बुरी हालत हो जाती है, तो ऐसे फिर आपको सीढ़ियों सीट पे बिठा कर लेकर जाते हैं। Thank you.
एंड में अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाएं तो आप इन ट्रेन पे भी बैठ के आ सकते हैं। ये भी आपसे तकरीबन 50 से 60 युआन आपकी टिकट लेती हैं और आपको नीचे बस वाले पॉइंट पे छोड़ आती हैं। लेकिन हम लोग अभी फाइनली नीचे इस पॉइंट पे भी ऑलमोस्ट कोई 1.5 किलोमीटर रह गया, जो हम लोग अभी पैदल ही जाएंगे इस वॉकिंग ट्रैक पे चलते हुए और फिर बस पे बैठ के जाएंगे। रात के टाइम चंगछियाजी में देखें यार कितनी ज़बरदस्त ये फूड स्ट्रीट लग जाती है, टेबल्स और ये सारे जितने भी स्टॉल्स हैं ये लोग बाहर निकाल लेते हैं और सब लोग इधर सड़क पे बैठ के खाते हैं। हम लोगों को भी अब शदीद भूख लग रही है, ये देखें सारे चैलेंज बैठे हुए हैं, खा जा रहे हैं काफ़ी चीज़ें। और इनका ये बड़ा इधर ट्रेडिशनल स्टाइल होता है कि यार ये डायरेक्ट चूल्हा दरमियान में रख के उसके अंदर ही सारी चीज़ें डाल के दे देते हैं और आप जो है वो उसके साथ गरम कर कर के पका पका के उसी वक्त ही लाइव खाते हैं। ये लग रहा है हमारे मतलब की चीज़ है, कुछ इसमें हलाल स्टफ है सारा। हेलो, दरमियान में लाहौर के लक्ष्मी चौक का ये एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन नजर आता है जहां मुख्तलिफ किस्म के खानों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और वो भी हाइजीन का ख्याल रखते हुए। राइस ही बनवा रहे हैं हम लोग, राइस ही सबसे ज्यादा सेफ हमारे पास रहती है चीज, बाकी सारी तो ये थोड़ी सी आपको पता है सॉसेजेस वगैरह हैं, तो हम जितनी भी ये सब्जी वेजिटेबल्स हैं वही डलवा रहे हैं इसके अंदर। हाँ। ये स्पाइसेस हैं। आपस की बात है, यहाँ अगर पता चला कि असल फ्राइड राइस होते क्या हैं, हम तो पता नहीं देसी टच देकर पाकिस्तानी चाइनीज बना देते हैं। खैर ढाबे वाले ने राइस के साथ हमें स्पून दे दिए। थोड़ा सा खाने के बाद याद आया कि नहीं नहीं हमारी तो चॉपस्टिक की प्रैक्टिस चल रही है, हम तो जान के चॉपस्टिक से ही खाएंगे। तो आज का दिन इन माउंटेन्स में गुजार के मजा आ गया और अभी मेरा चंगछियाजी में एक और दिन है और यहाँ का एक और एडवेंचरस दिन। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।